हेलो बच्चों, आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पे एक दो तीन वीडियो हमने देखा था कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब पे हमने स्टडी किया। अभी क्या है कि आप लोग का स्कूल चलने लगा है, आपको यूट्यूब पर वीडियो कॉन्टिन्यू मिलते रहेंगे और जो बच्चे जो आ रहे हैं यहाँ पे क्लास करने उनको जो है रेगुलरली ये चैप्टर जो भी स्टार्ट है वो पढ़ाया जाएगा और इसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल आइए, और अगर आप स्कूल आएंगे तो जो भी नाज थे स्कूल आने के परमिशन लेटर वगैरह पे आप सिग्नेचर करा के आप स्कूल आ सकते हैं। ये मैसेज भी आपको कॉन्टिन्यू स्कूल से दिया जा रहा है, ठीक है। आप जो है 2 गज की दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कोरोना में, और अब ऐसा क्या है अगर आप स्कूल में आते हैं तो आपको लाइव लेक्चर पढ़ने को मिलेगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा लेक्चर, लेकिन क्या है कि आप घर बैठ कर भी आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज बच्चों थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने से पहले कुछ बातें बता देते हैं आपको, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, बेटा रेडॉक्स रिएक्शन की बात आती है तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखने को मिले उसी को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। मींस रेडॉक्स मतलब आप जानते हैं ना, रेड मतलब हो गया रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां पे साथ साथ हो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है। तो रेडॉक्स रिएक्शन कई टाइप्स के होते हैं, उन सबको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखी कि क्या होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होता है आपका इसे कई तरीके से आप जान सकते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब मैं बता चुका हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीडेशन है। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और उसके बाद तो बात करके एक और कॉन्सेप्ट है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से जानना चाहते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी केमिकल स्पेसिस, एनी केमिकल स्पेसिस, ओके, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये क्या है आपका रिडक्शन है, और यहाँ पे आप कर सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कर सकते हैं आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। और एक बात, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग के नाम से भी जानते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट को, क्या बोलते हैं रिडक्टेंट, बात क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने देखा था, सोडियम है, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, इसके ऊपर क्या आया एक पॉजिटिव चार्ज, चार्ज क्या था यहाँ पे न्यूट्रल एटम पर चार्ज 0 था, अभी यानी पे एक प्लस चार्ज आ गया। जब बेटा चार्ज जो है, जब चार्ज आप देखते हैं राइट साइड चार्ज क्या है लेफ्ट से राइट, ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो अगर हम देख रहे हैं, ये मैंने एक हाफ सेल रिएक्शन लिखा है, ये हाफ रिएक्शन है, कंप्लीट नहीं है, केवल आप यहाँ देख रहे हैं चार्ज क्या है बढ़ रहा है 0 से प्लस हो रहा है, तो जब चार्ज बढ़ रहा होता है तो ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूं यानी प्लस से यानी मीन्स सोडियम एन ए प्लस से एन ए होना, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है गेन कर दिया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुआ है तो एन ए प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम एन ए प्लस में एक इलेक्ट्रॉन क्या कमी थी एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो अपना क्या हुआ न्यूट्रल एटम बना लिया, और इसके ऊपर क्या हुआ न्यूट्रल चार्ज 0 चार्ज आ गया,
प्लस से जीरो आना, मतलब चार्ज क्या है डिक्रीज कर रहा है, चार्ज डिक्रीज करता है तो क्या होगा रिडक्शन। ओके, कोई सिस्टम चार्ज डिक्रीज कर रहा होता है तो वहां पे क्या होता है रिडक्शन होता है, मतलब यानी प्लस से एन ए आना मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना। ठीक है, अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करा, क्या बना लिया सीएल माइनस, ये भी क्या है आपका रिडक्शन, चार्ज डिक्रीज कर दिया। सेम एटम पर, सेम एटम आयन पे चार्ज अगर क्या होता है इंक्रीज कर रहा होता है ऑक्सीडेशन, चार्ज डिक्रीज कर रहा होता है तो। ओके, ये बात, ये तो बेसिक बात थी ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बहुत सारे रूल्स बताए थे और एक एक करके रूल्स दिखाए थे, यूट्यूब पर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वाले में। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर की जो बात थी, ऑक्सीडेशन नंबर, किसी केमिकल स्पेसीज के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होता है उसकी वजह से जो चार्ज डेवलप होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बहुत सारे चीजों का बताया, जैसे जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, प्लस वन होता है। ठीक है, लेकिन जब ये मेटल के साथ होता है, मेटल के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल, हाइड्रोजन व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल, मेटल देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू माइनस वन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है माइनस वन। माइंड करिएगा, जैसे मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम किसके साथ कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो बना रहा है सोडियम हाइड्राइड, इसे माइनस से ब्रेक करेंगे यानी फिर प्लस आएगा, हाइड्रोजन क्या आएगा माइनस आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर देन हाइड्रोजन, यहाँ बता सकते हो इसे हम हाइड्राइड आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइड्राइड आयन। हाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड आयन, एच प्लस और एच माइनस में कोई आपसे डिफरेंस पूछता है तो हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एच प्लस आयन, योर आंसर इज जीरो इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें जीरो इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो इसमें वन प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, वन प्रोटॉन प्रेजेंट होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन जीरो होने की वजह से एच प्लस को हम क्या बोलते हैं प्रोटॉन, एच प्लस को हम क्या बोल देते हैं बेटा प्रोटॉन भी बोल देते हैं। हाइड्राइड आयन कब बनाएगा जब ग्रुप फर्स्ट सेकंड एलिमेंट के साथ ये कंबाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों केस में वैलेंसी वन है, वैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा वैलेंसी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। एच माइनस हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, एक माइनस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और इसमें जुड़ गया है, तो ये टोटल कितने हो गए बेटा यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटॉन की मैं बात करूँ तो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं दोनों में फिक्स है। ठीक है, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है जो भी एनर्जी वगैरह होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, गेन हुआ वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं किसी एटम में से। वैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होता है बेटा माइनस टू होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है माइनस टू होता है, बट अगर ये परॉक्साइड के साथ आ रहा है जैसे एच टू हो परॉक्साइड में, ठीक है, इन परॉक्साइड तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आप क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वन। जैसे आप जानते हैं एच टू ओ टू इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एच ओ ओ है। ओके, हाइड्रोजन पे देखो प्लस वन है इसकी वजह से इसके कैसा चार्ज आया माइनस वन, और यहाँ पर प्लस वन है इसकी वजह से इसको कैसा चार्ज आ रहा है माइनस वन, तो ऑक्सीजन का जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस वन होगा। बात क्लियर है, तो इसकी वजह से जो चार्ज इस पर डेवलप हो रहा है उस पर माइनस ही डेवलप हो रहा है। क्लियर है,
ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पराक्साइड कोई भी होगा उस पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता दूँ, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर से, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी होती है एक एटम के दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होने की, कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्लियर है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स कैपेसिटी, वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विथ अदर। ठीक है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विथ अदर, कंबाइनिंग विद द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट, विद द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट। तो इस चीज को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ मैंने वैलेंसी लिख लिया और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। चेक करता हूं CH4 CH3 CL CH2 CL2 CH3 CCl। यहां मैं चेक करूंगा जो वैलेंसी होगी, यहां CH4 कार्बन की वैलेंसी मैं यहां बताऊंगा और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करूंगा। यहां पे CH4 में कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कार्बन का, -4। क्लियर है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -4, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। क्लियर है, यहां चेक करते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी है आपको, 4 है, बट ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का चेक करिए कितना आएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा चेक करिए, कार्बन का X ले लिया मैंने, हाइड्रोजन का +3, -2 इज इक्वल टू 0, CH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0, CH इज इक्वल टू -2। यहाँ आपके जैसे नंबर कार्बन का कितना आ गया, -2। आगे चेक करते हैं कार्बन की बैलेंस, यहाँ पर भी 4 है, क्योंकि ये बैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मतलब कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ऑलमोस्ट के वो क्या है, 4 अदर एटम से क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। वैलेंसी यहाँ पे क्या है, फिक्स है, बट जो वेरिएबल है वो ऑक्सीडेशन नंबर है अलग अलग कंपाउंड में कार्बन के लिए। चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, +2 और क्लोरीन का -2, +2 -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया कार्बन का। यहाँ चेक कर लें, यहाँ भी वैलेंसी क्या है, 4 है, और यहाँ भी वैलेंसी क्या है, 4 है। तो आप चेक कर सकते हो वैलेंसी क्या है, फिक्स है, कार्बन से जो भी यहाँ पे एटम कंबाइंड हो रहे हैं, कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है पता है, इसकी वैलेंसी क्या है, सभी फिक्स है, बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चेंज हो रहा है। तो चेक करते हैं यहाँ पर, ये -3 है, कितना है क्लोरीन का, -3 हो जाएगा और ये +1, तो कितना बना लेगा, -2, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। इधर चेक करते हैं, -4 है और उधर जाके कितना हो जाएगा, +4। ये है आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर
ये माइनस फोर माइनस टू, पहले तो क्या है धीरे धीरे माइनस फोर से स्टार्ट हुआ और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया, माइनस फोर माइनस टू जीरो प्लस टू प्लस फोर। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें जानी क्लियर हो जाती हैं कि बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस। बैलेंसी कंबाइंड कैपेसिटी है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक चार्ज है, ठीक है, चार्ज डेवलप हो रहा है तो जो दूसरे एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है और उस एटम के साथ जिसमें हम बात कर रहे हैं चार्ज में क्या डिफरेंस है यहाँ, ठीक है। ये केवल एक चार्ज है, क्या है, चार्ज है कार्बन के ऊपर, इससे आपको परेशान नहीं होना है। बैलेंसी कंबाइंड कैपेसिटी है किसी एटम की, ठीक है। आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अगर हम यहाँ पर देखें, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमने आपको बैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर पर डिफरेंस बताया है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन,